पहले तो आटा तो गूंथ लेते लड़की। अच्छा। तो आटा गूंथ के हो जाएगा सूजी के, तो ऐसे सूजी डाल देंगे आप। हाय हाय गाइस, यहाँ पे चाची अब पल रही है गुजिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स अस बहू व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो पिछले दो व्लॉग हैं वो कमेंट के ऊपर ही बनाए थे मैंने, क्योंकि बहुत लोग ओवर बोलने लगे थे इसीलिए मैंने उन पे रिप्लाई कर दिया। तो आज का व्लॉग होगा गुजिया बनाने के ऊपर, तो मम्मी आज गुजिया बनाने वाली है इसलिए मम्मी यहाँ पे सामान लेके आई है गुजिया का सारा। तो आज यहाँ गुजिया बनने वाली है, तो अब गुजिया बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी अभी आटा गूंथ रही है पहले, सबसे पहले तो मैदा छान रही है। यहाँ पे पुच्चू भी देख रहा है, बड़े होके मैं भी बनाऊंगा, है ना? मुझे आती है। हाँ, तुझे तो सब आता है भाई। और यहाँ पे सम्मू भी देख रहा है ऊपर से। वुल्फ कैसे करता है? कैट कैसे करती है? सम्मू ब्लैक। और ये आटा कौन से कलर का है सम्मू? व्हाइट। कौन से कलर का है? व्हाइट। तो ये मैदा छान लिया मम्मी ने, अब इसमें डाला घी, अब इसमें डलेगा थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा रिफाइंड। सम्मो आ गया है आटा गूंदने के लिए नानी के साथ, तेरे साथ ये गूंदेगा आटा। तो अब यहाँ पे डाले मम्मी रिफाइंड थोड़ा सा, अभी दूध भी तो डलेगा। दीदी इसको हटा दो, तेल में डालते फैल गए सब। मैं ध्यान रखती हूं ना। यस, अभी थोड़े ना, पहले तो आटा तो गूंथ लेते लड़की। आटा गूंथ के रख रहे हैं, तू सिर्फ देखती रह, तू बड़ी हो जाएगी फिर तूने बनानी है सबके लिए गुजिया। हमारे सबके ससुराल पहुंचा दी एक एक किलो फिर, ठीक है? आओ। तो इसमें डाला है अब दूध, थोड़ा पानी डालेंगे, इन सब चीजों से गूंथता है मैदा। बहुत मेहनत लगती है आटा गूंथने में सच में। शादी से पहले हमने इतना आटा गूंदा है, ये मतलब तीनों जगह का गूंदते हैं हम। जैसे एक दिन मैदा, वही मैदे का आटा, मैदा गूंदा, आटा गूंदा, तो बहुत गूंदा। चेयर के वहां बनती थी एक दिन, ताई और के यहाँ एक दिन, यहाँ एक एक दिन बनती थी, मतलब अगले दिन बना दो या दो दिन छोड़ के बना दो। तो जैसे आज यहाँ बन रही है, कल चाची और के यहाँ बनेगी, ताई शायद इस बार नहीं बना रही है। तो ऐसे करते थे। तब अंकू भी थी, जो मेरी सिस्टर की अभी शादी थी, जिसके ब्लॉग में देखा हुआ था, ताई की बेटी। तो हम दोनों ही गूंथते थे ज्यादातर आटा, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती, तो हम दोनों ही लगाते थे ज्यादातर। फिर एक दिन हम यहाँ गूंथते थे आटा, फिर नीचे, फिर सबसे नीचे इस तरह से। और फिर एक जना बेल, दो जने बेलते थे, दो जने गोली बना देते। तो हमारे घर में काफी सारे थे। अब तो हमारी शादी हो गई, अब हम लोग चले गए, अब तो कम ही बचे हैं। बट पहले हमारी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली थी, मतलब गली में भी सबसे ज्यादा मेम्बर हमारी गली में थे। तो इस तरह से हम आटा गूंथते थे। तो अब तो पंकज और धुरंधर हो गए आटा गूंदने, पंकज कारण ये आटा गूंद ही देते हैं। पर पंकज अभी कुछ काम से गया हुआ है बाहर, तो मम्मी गूंद रही है यहाँ पे आटा। और जब मेरा पुच्चा बेबा बड़ा हो जाएगा तो पुच्ची बेबा गूंदेगा, है ना आटा? दीदी इसको शौकू बोल देख रही है, नाम दे रहा है आपका। छिबू हाथ था नानी के साथ आटा। गूंदो गूंदो मारो नानी, कैसे करिए? दिशम दिशम तो देख टम। तो यहाँ पे आटा तो गूंद गया है, अब आटे को रेस्ट पे रखा हुआ है, इसको कम से कम एक घंटा ऐसे ही बंद करके रख देंगे। इसलिए सबसे पहले आटा ही गूंदा था, तो इसको अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आटा गूंदने के बाद अब यहाँ पे मम्मी बना रही है पुलाव, चना पुलाव। यहाँ पे चावल निकाले हुए हैं और यहाँ पे प्याज गूंदने के लिए रखे हुए हैं, साथ ही साथ कढ़ाई भी चढ़ा दी है यहाँ पे, सूजी मसाला यानी गुजिया का मसाला जो है वो भूनने के लिए। यहाँ पे सूजी रख दी है छान के,
खाली सूजी भूनते हैं क्या? पहले घी डालते हैं ना, घी में सूजी भूनते हैं और फिर सारी चीजें मिला देते हैं। मैं तो भूल भी गई कैसे बनाते हैं भुजिया। कभी मम्मी बनाएगी तब तक मम्मी ने कढ़ाई चढ़ाई है कि पुलाव भी साथ साथ रखा जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। फिर जब हम खाना वाना खा लेंगे ठंडी हो जाएगी, मसाला जो है उसका ठंडा हो जाएगा, तब बनाएंगे भुजिया। तो यहाँ पे रख दिया है घी मेल्ट होने के लिए, हो जाएगा सूजी के, तो ऐसे सूजी डाल देंगे आप। इसको सूजी को खूब भूनते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी तो सफेद कलर की बहुत मेहनत लगती है गुजिया बनाने में, तो ये जब तक ये ब्राउन ब्राउन सी नहीं होने लग जाती तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहते हैं, बीच बीच में छोड़ते भी हैं थोड़ा थोड़ा, और अच्छे से मिक्स करके से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह पकाते रहते हैं, चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। तो अभी सूजी भून रही है, मतलब अभी उसको बहुत टाइम लगता है भूनने में, गोल्डन ब्राउन जैसी होती है ना, थोड़ी डार्क डार्क ब्राउन जैसी होती है, तब उसके बाद ही सब चीज मिक्स करते हैं। तो पहले उसको भून लेते हैं। मम्मी ने बूरा मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इलायची डाला है इसमें, इलायची पाउडर है, नारियल का बुरादा है, सब मिक्स करके रखा हुआ है। और यहाँ पे सूजी जो है वो भी भून लिए, तो इस कलर की करनी होती है सूजी, तो अब ये ठंडी करने के लिए रखी हुई है मम्मी ने। फिर से ये सब चीज़ उसमें मिक्स कर देनी है, ड्राई फ्रूट्स और ये जो है ना, ये सब चीज़ मिक्स करने के बाद जो मसाला बनता है ना उसको खाली खाने में जो स्वाद आता है ना, एक नंबर। तो अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। लंच में आज बनी है ये चना दाल की, चने दाल की खिचड़ी, जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है। प्याज काट रहा है इसलिए सब मुँह बना रहा है गंदा गंदा। और यहाँ पे ये साथ में है जैसे, और साथ में सैलेड कट गया है ये खीरे का और प्याज का, और कड़ी में ताई से लेके आई हूँ। कड़वा हो रहा है क्या? ज्योति बनाती थी ना बहुत, मतलब ज्योति को भी पसंद था ये वाला पुलाव, बहुत खाती थी वो भी। हम उसका शुक्रवार का फास्ट रहता था, हम यही खाते थे। तो अभी यहाँ पे मम्मी ने गुजिया के अंदर का जो मसाला होता है वो बना दिया है। यहाँ पे सूजी बूरा वगैरह सब मिक्स कर लिया मैंने, सूजी बूरा नारियल का बुरादा और क्या क्या है, किशमिश है और इलायची पाउडर वगैरह, खोया, ये सब चीज मिक्स कर दिए मम्मी ने। तो ये बन गया मसाला, अब बनेगी गुजिया। यहाँ पे मम्मी आटे को मार रही है अभी, मतलब आटा फिर से थोड़ा सा वो कर रही है, बना रही है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि उसको रेस्ट करने के लिए रखा था, तो एक बार और वो करें। अब बनाएंगे गुजिया क्योंकि सब आने वाले, खाना खा लिया हमने तो, खाना खा लिया है, अब बनाएंगे गुजिया। पहले मैं सम्मू को सुला देती हूँ उसके बाद बना। तो मैं सोच दी शिवान सो जाएगा बट शिवान नहीं सोया और यहाँ पे गुजिया बना रहे सारे के सारे, चाची भी आ गई। मम्मी और चाची बेल रहे हैं, पंकज और आदि भर रहे हैं। पंकज यू कैन डू इट, जब तलेंगे ना मेरी वाली पे दिखेगा तब ले जाएंगे। डिजाइन बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें, जो डिजाइन वाली लेके आए कल अच्छी लग रही मेरे वाली की भी है। बन भी गई इतनी।
ले दिखा दिया। हाय हाय गाइस, क्या करना गोले बना। हाय गाइस, पकड़ दिया मां छोटी कुड़िया। देखिए ये राखुन था, ये देखो ये मां से ये अंदर है। वो भाई ये फसा भी ऊपर किनको अदिति नहीं यहाँ पे तेल रख दिया गरम करने के लिए। अब भुजिया तलेंगे। यहाँ पे भुजिया तल रही है। कोई नहीं, घर में बनी ऐसी होती है, होम मेड भुजिया है वो, होम मेड। मम्मी ने गुजिया आधी तल दी है, आधी ये है। तो यहाँ पे सारी गुजिया बन गई है। वो क्योंकि इस साड़ी में थोड़ा सा डिफेक्ट है, छोटा सा। आप ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो फाइबर डिफेक्टिव पीस ही ना, इसलिए हम इसे फ्लैट 1000 रुपीज के प्राइस पे बेच रहे हैं। अगर आप लेना चाहती हो तो ले सकती हूँ, नहीं तो मैं इसे यहाँ सेल में डाल दूंगी। लेकिन रात के डिनर में बनी है भिंडी की सब्जी एंड रोस्ट किया साथ में। मम्मी ने खाते हैं रात का जी नर। खाना भी ना हो गया है तो पापा लेके आए हैं ये आइसक्रीम। आइसक्रीम मेरी है वो बेटा, तेरी वहां पे है, वहां पे खाओ आप जाओ। ध्यान देख रहा नो मामा की ओ इधर आ जाओ, आप अपनी खाओ कटोरी वाली। नहीं ये ही खानी है। मतलब ये कौन सी बात है भाई, अपनी छोड़ के हमारी खा लो। और चिढ़ाता ऐसे जैसे पता नहीं ऐसे कहते करो। ओ ऐसे देख चटकारे लेके आइसक्रीम खाना तो कोई समोसे सीखे। नीचे सोते हैं ये सोच के कि ऊपर गर्मी हो रही है। ये देखो परेशान कर रहा है मामा को रात को, 1 बज गया। और ये देखो लड़के को क्यों कर रहा है मामा को परेशान है। देख रहे हो उसको कैसे मार रहा है। तो और फिर कह रहा अपना बचाओ मत कर। नो नो प्लीज प्लीज नो। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग कल गुजिया बनाने के बाद रात को खाना पीना खा के हम सो गए थे। वीडियो शूट नहीं किया था तो अभी हो रहा आफ्टरनून। अभी हम लंच कर रहे थे, आज लंच हमने मैगी बनाई है तो मैगी खा रहे हैं यहाँ पे। हाय बोलो। हाय क्या बोलता आगे का लंच कर लिया है। अब चाची आज गुजिया चाची बनाने वाली, कल मम्मी ने बनाई थी तो अब चलते हैं चाची और की गुजिया बनाने के लिए। इससे पहले मैं इसको सुला दूंगी क्योंकि कल इसने बहुत परेशान किया था, लेट सोया था। फिर चले तो इसको सुलाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे चाची और की गुजिया भी बन गई है और तो अभी हो गई है शाम 6 बज गए हैं, आज जल्दी बन गई। तो यहाँ पे चाची ने चिप्स तले हैं। चाची अब तल रही है गुजिया। तो यहाँ पे मेरा बच्चू खा रहा है, मौसी खिला रही है उसको उसके चिप्स।
बना रही है फिर भी चाची की सारी गुजिया बन गई, बस कुछ बची है थोड़ी सी। और तो यहाँ पे हमने मंगाया पिज्जा, पिज्जा ये है रॉयल तंदूरी पिज्जा और साथ में सीजनिंग मिली है और ऑरेगानो चिली फ्लेक्स गरम है। हाँ गरम भी नहीं है, ठंडा भी हो गया, यम्मी। खाना पीना हो गया है तो अब हो गई सोने की तैयारी। तो अब वीडियो का एंड कर देते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।